नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोटिंग से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की। वो पहले चरण में हुए मतदान का प्रतिशत कम होने के कारण चिंतित भी नजर आए, तो उन्होंने शुक्रवार को होने वाली वोटिंग के लिए लोगों से अपील भी की है। नाम ही अच्छा विस्तार का, तो ये जल्दी विस्तार कर रहा है। हम हमारी सफलता में भी कोई मगरूरियत नहीं लाते, कोई घमंड नहीं लाते। पहले चरण में गर्मी बड़ी दुश्मन बनी और वोटिंग परसेंटेज कम रहा, तो बीजेपी इसकी चिंता कर रही है कि नहीं? हमारी 29 की 29 सीटें, मुझे आपके माध्यम से भरोसा, प्रदेश की जनता बहुत प्यार करती है। जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो कांग्रेस बड़ी उम्मीद से हो गई है और कह रही है कि इनमें से सीट जीतने की उसकी उम्मीद बढ़ गई। देखिए, ये बिल्ली के भाग से छींका नहीं टूटेगा। बीजेपी कांग्रेस मुक्त है या बीजेपी कांग्रेस युक्त हो रही है? अब आने वालों की भीड़ बढ़ रही, तो हमको छांट छांट के लेना पड़ रहा है। कांग्रेस अगर लड़ने ही नहीं जाते तो हम क्या करें उसके लिए? अब की बार यही भाषा और यही घमंड रहा, ये टेम्पो के अंदर की सवारी हो जाएगी, एक बस की सवारी में थे ही। आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज़ इन दोनों चुनावी दौरे पर हैं और चुनावी दौरे में हमको साथ मिला है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। विस्तार से बात करने के लिए डॉक्टर साहब के साथ है। डॉक्टर साहब, आपको सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने विस्तार न्यूज़ को समय दिया है। जी बहुत धन्यवाद, विस्तार न्यूज़ ने कम समय में अपनी अच्छी पहचान बनाई और नाम ही अच्छा विस्तार का, तो ये जल्दी विस्तार कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, अब तकरीबन मध्य प्रदेश में सारे नामांकन भर चुके हैं और आपने प्रत्येक नामांकन में जाके भाग लिया, तो आज इसकी क्या वजह रही कि आप सब जगह आप स्वयं गए? देखिए, माननीय मोदी जी के साथ हमारा अपना सबका जब 400 पार का नारा है और मध्य प्रदेश वो स्टेट है जो लगातार अपने दो बार से अपनी सर्वश्रेष्ठ, एक बार 29 में से 27, दूसरी बार 29 में से 28, इस बार 29 में से 29 सीट देने वाला है। तो एक स्वाभाविक रूप से मैं मुखिया हूँ या मुख्य सेवक हूँ, उस नाते से मेरा अपने कार्यकर्ता जिसको टिकट मिला है पार्टी के साथ, मैं उसके साथ खड़ा होकर कलेक्टर के यहाँ फॉर्म भराता हूँ, बाद में कोई रोड शो या सभा करता हूँ, तो कार्यकर्ता में उत्साह आता, उमंग आती है, मुझे भी अच्छा लगता है और मुझे इस बात का संतोष है कि धीरे धीरे करके लगातार जिस प्रकार का टेम्पो बना है, माननीय मोदी जी का ग्राफ, भगवान किसी को कहे किसी की नज़र नहीं लगे, उनका दिनों दिन रात और ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये 12 सीटों में से 12 ही हम जीतने की स्थिति में आए हैं और आने वाले समय की बाकी बची हुई सीटों पर भी हम उसी प्रकार का परचम ले रहे हैं। सब जिस तरीके से दो चरण होने को हैं, पहले चरण में गर्मी बड़ी दुश्मन बनी और वोटिंग परसेंटेज कम रहा, तो बीजेपी इसकी चिंता कर रही है कि नहीं? देखिए, चुनाव के लिए जो कर सकते हैं वो सब करते ही हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से कुछ बातें ऐसी थी, जैसे इस बार शादियाँ ज़्यादा होने से एक कष्ट ये आया कि शादियाँ थी, फिर उस सेल्ट में जहाँ चुनाव हो रहा था वहाँ फसल कटाई का भी विषय था, तो फसल के कटने से जो मजदूरों की दिक्कत आती है, किसानों की दिक्कत आती है, उसके कारण से भी उसका इफेक्ट पड़ा है। लेकिन जैसे हम लोगों ने कहा है, प्रचार प्रसार कराते हुए छाया, पीने के पानी की व्यवस्था, बाकी जन जागृति के चुनाव आयोग ने काम कराए हैं, और आपके माध्यम से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप अधिकतम जनता से, यह मेरी अपील है कि हम सब अपने मताधिकार का उपयोग करना, ये अत्यंत आवश्यक है, ये प्रदेश की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए, 21 शताब्दी में भारत दुनिया का नंबर एक देश बने, ऐसे में अपने अपने योगदान के लिए आप अपने मत का जरूर उपयोग करें। मैं मान के चलता हूँ कि मोदी जी के लिए टेन्योर मोदी जी के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए ज़रूरी है और भारत की इस प्रकार से प्रगति सब क्षेत्रों में हुई है उसमें यह बेस का काम करेगी, हमारी 29 की 29 सीटें, और मुझे आपके माध्यम से भरोसा, प्रदेश की जनता बहुत प्यार करती है और हमको सफलता देगी। मगर जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, तो कांग्रेस बड़ी उम्मीद से हो गई है और कह रही है कि इनमें से सीट जीतने की उसकी उम्मीद बढ़ गई है। देखिए, ये बिल्ली के भाग से छींका नहीं टूटेगा। अगर वोटिंग परसेंट डाउन हुआ तो केवल बीजेपी का डाउन हुआ, ये सोचना गलत है। मैंने उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि कई सीटें ऐसी है जो कांग्रेस जीती विधानसभा में, वहाँ हमारा वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा है लेकिन कांग्रेस का और कम है, जिसका मतलब कांग्रेस उसको हार रही है क्या? तो ये बात सही है कि वोटिंग परसेंट बढ़ना चाहिए, कांग्रेस और बीजेपी हम सब है, लेकिन हम कम वोटिंग परसेंटेज से जीत जाएंगे इस भरोसे अगर कांग्रेस बैठी है, तो मेरी शुभकामना उनको। मोदी जी लगातार दौरे कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, तो मोदी जी मध्य प्रदेश पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं जबकि यहाँ तो सिर्फ एक ही सीट
नहीं है, बाकी तो सब सीटें आपके पास हैं ही। देखिए ये ही खास बात है भाजपा और कांग्रेस में, हम हमारी सफलता में भी कोई मगरूरियत नहीं लाते, कोई घमंड नहीं लाते, विनम्र लाते हैं और विनम्रता के आधार पर जनता के बीच लगातार जा जा करके हम अपने विषय को रखते हैं, हमारी जनता से हमारी बातों को समझाते हुए कांग्रेस की कमजोरियां और हमारी अच्छाई से जनता का दिल जीतते हैं। लेकिन कांग्रेस जैसा माननीय मोदी जी सही शब्द बोलते हैं, घमंडिया गठबंधन है, पहले तो सीट नहीं जीत रहे हैं लेकिन बगैर सीट जीते भी वो जाना नहीं चाहते हैं, केवल बयानवीर है, समाचार पत्रों में बयान देते हैं, चैनल पर बयान देते हैं, छुट्टी पा लेते हैं, यही कारण है कि कांग्रेस लगातार रसातल में जा रही है। जिस तरीके से आप लोग रोज कांग्रेसियों को बीजेपी में शामिल कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? माने बीजेपी के लोगों में इसमें छटपटाहट नहीं होगी? ये बीजेपी कांग्रेस मुक्त है या बीजेपी कांग्रेस युक्त हो रही है? देखिए ये कांग्रेस के लिए विषय है, हमारे लिए विषय नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते से हमारी पार्टी में तो हमने अपनी पार्टी में आने वालों के लिए कोई मनाही नहीं की है, लेकिन अब आने वालों की भीड़ बढ़ रही तो हमको छांट छांट के लेना पड़ रहा है। लेकिन कांग्रेस का लोग कांग्रेस को साथ छोड़ रहे हैं, कांग्रेस को सोचना है, उनके नेतृत्व पे भरोसा नहीं, उनके नेता पे भरोसा नहीं है। और जैसा आपने कहा कि हमारे लोग आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने एक सभा नहीं ली, एक की अनाउंस किया था उस दिन तबीयत खराब का बहाना बना लिया, एक सीट पर उनने खजुराहो पहले ही सरेंडर कर दिया। तो कांग्रेस अगर लड़ना ही नहीं चाहते तो हम क्या करें उसके लिए? तो जिस तरीके से चुनाव आगे बढ़ रहा है, एक फेज़ खत्म हो गया, दूसरा फेज़ आने वाला है, लगता है कि नए नए मुद्दे आ रहे हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र को आप लोगों ने निशाना बना लिया है, मोदी जी ने मंगलसूत्र और वो जो वसीयत वाले मामला है, प्रॉपर्टी वाला, उसको मुद्दा बनाया, तो ये सबको क्या लग रहा है ये मुद्दे की बात है? देखो मुद्दा बनाते नहीं, मुद्दा बनने के लिए कांग्रेस देती है। कांग्रेस अपना घोषणा पत्र में कहती है हमारी सरकार बनेगी तो हम अल्पसंख्यकों को इकोनॉमिक सर्वे करा के बचा हुआ चीज़ उनको बांटेंगे, अर्थात हिंदुओं से छीन के आप अल्पसंख्यकों को दोगे, मुस्लिमों को दोगे। अभी कहते हमने कहाँ बोला, हमने कहाँ बोला? अरे मनमोहन सिंह जी ने खुलेआम बोला 2003 से 13 की सरकार में, सोनिया गांधी जी चेयरपर्सन थी, आज भी अल्पसंख्यकों को लेकर जो वो बात कह रहे हैं वो हमारे सबके सामने है। विरासत के बारे में राहुल गांधी जी के गुरु, उनने अपना वक्तव्य दिया कि अमेरिका में तो सेम पित्रोदा के भाई हम तो विरासत में 60% सरकार में जमा करा देंगे, 40% रहेगा। हमारे भारत में नहीं चलता है ये, चुनाव अमेरिका में नहीं हो रहा, भारत में हो रहा है। हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि भ्रम मत फैलाओ। हमारे यहाँ तो बाल बच्चों के लिए माँ बाप अपना पेट काट करके कुछ इकट्ठा करके जाते हैं, उनके लिए, उनका भला करने के लिए, उनके माध्यम से धर्म के काम के लिए। अब आप कह रहे हो वो सब हम बांट देंगे, तो ये जनता इसको समझ रही है? जनता क्यों नहीं समझ रही है? जनता को समझाने के लिए तो कह रहे हैं। अब आप बताओ धर्म आधारित आरक्षण की बात, हम जब कह रहे हैं कि आपने OBC SC ST दलितों के आरक्षण में चोट पहुँचाई है, उनको उनसे छीन करके आपने मुस्लिम समाज को दिया, हाय रे कहाँ दिया कहाँ दिया। अरे भाई अभी आप देखो कर्नाटक में, आंध्र में देखो किसका काट के दिया है, 15% आपने दलित वर्ग का, SC का, ST का, OBC का आरक्षण काट करके दिया है मुस्लिम समाज को। तो अब ये तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है ना। अब हम किसको बोलते हैं तो वो कहते हैं आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। अरे करोगे आप, हम आप बताएं भी नहीं कि जैसे कोई कांच के सामने खड़ा होकर उसकी वस्तुस्थिति बताता है तो कांच के अपनी असली स्थिति भी नहीं बताए। हमने गलती की तो वो बताओ ना आप, हमने कोई गलती की नहीं। आपने देखा वर्षों तक भगवान राम के मंदिर को कांग्रेस ने उलझाया, कांग्रेस ने कभी भी दलित और OBC SC ST की बात करी लेकिन SC ST को राष्ट्रपति नहीं बनाया। अब मैं इसी को बात को लेके जाता हूँ कि साहब इनकी तरफ से कब इनने मदद की, हमने मुस्लिम में राष्ट्रपति बना करके अब्दुल कलाम को, इस देश वैज्ञानिक को देश में सबसे बड़े पद तक पहुँचाया, आपने अगला टर्म उसको नहीं दिया और फिर भी कहते कि हम मुसलमान के विरोधी। अरे हम तो मुस्लिमों के पक्षधर हैं, आप तो मुस्लिम लीग वाले लोग, आपने मुस्लिम समाज में से जिसको पसंद नहीं वो लाइन को पकड़ रहे हो आप। मुस्लिम लीग ने देश का बंटवारा कराया, कांग्रेस ने उस समय सरेंडर किया, कांग्रेस की गलती से देश का बंटवारा हुआ, जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो कांग्रेस ने करा, उसके बाद भी कांग्रेस कहती है हमारा कोई दोस्त नहीं, और ये कैसे होगा? आपने मंदिर की बात की मगर हम लोग जो आपका लगातार भाषण सुनते हैं तो आप बार बार बोलते हैं कि अयोध्या का आनंद तो आ गया, मथुरा का बाकी है, क्या बाकी है? मैं तो कह ही रहा हूँ ना, अभी दोबारा बोल रहा हूँ, भगवान राम के मामले में कांग्रेस ने गलतियाँ की, पहले मंदिर बनने के मामले में, भगवान के जन्म के मामले में, राम जी के अस्तित्व के मामले में, फिर भगवान का मंदिर बन गया तो मंदिर के लोकार्पण में निमंत्रण ठुकराया, और उसके बाद से लगा कि आज तक भी 22 जनवरी से ये अप्रैल जा रहा है,
कभी एक बार तो कोई दर्शन करके आए भगवान के, भगवान राम से क्यों नफरत है इनको, ना राहुल गए, ना सोनिया गई, ना प्रियंका गए, तो जब हम जो कहते हैं कि इनका है ही नहीं हिंदू धर्म से मतलब, तो वो साफ सिद्ध होता है। मथुरा तो बात ही नहीं कर रहे हैं भाई, ये कह रहे राम जी हमारे हमारे, जब मंदिर बन गया तो हमारे, तो आप भैया राम जी की बात चलो मान लो आपने कुछ नहीं कहा, अब तो कृष्ण भगवान की बात कर दो ना कि हाँ कृष्ण मंदिर में हम मदद करेंगे, आप क्यों नहीं बोलते हो? आप केवल हिंदुओं के धर्म स्थल को, भगवान को अपमानित करने के लिए बात करोगे। जनता से कहोगे वोट दो, कौन वोट देगा इनको? हिंदू समाज माफ नहीं करेगा कभी इसी बातों के लिए। एक राहुल गांधी का बयान आया है, उन्होंने कहा कि मैं बोलता हूँ तो मोदी के पैर कांपते हैं। देखो चाहे जो बोलोगे कौन सुनेगा, और हमने सही बात बोली तो आपको मिर्ची क्यों लग गई? राहुल गांधी को इस बात की क्यों चिपड़ा है? दो तुकारे की भाषा ले आए वो, मोदी फलाना, मोदी ये वो। दो चुनाव से इन्हीं कारण से कांग्रेस की सीटें घटी है। 2013 तक उनकी सरकार थी याद रखो, लेकिन 14 के चुनाव में 115 बचे। इसी भाषा के आधार पर दोबारा चुनाव लड़े राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तो 52 रह गए। आपकी बार यही भाषा और यही घमंड रहा, ये टेम्पो के अंदर की सवारी हो जाएगी, एक बस की सवारी में थे ही। क्या लग रहा है आपको कि इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं? क्या महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है? देखिए हम सबके सामने आंकड़े हैं कि 25 करोड़ लोग माननीय मोदी जी की सरकार में गरीबी रेखा से बाहर आए, 2 करोड़ लोग मध्य प्रदेश में बाहर आए, और बल्कि उससे गरीब आदमी के लिए मकान, बिजली सोलर से फ्री, गैस का चूल्हा, राशन घर का, तो गरीबी को मदद करने के लिए सरकार बनी रही है। कांग्रेस ने कब किया ये? कांग्रेस बताए ना उनने किसी को मकान फ्री दिया हो, किसी को गैस का चूल्हा दिया हो, कब दिया कांग्रेस ने? वो तो गरीब विरोधी सदैव रही है। मोदी जी ने सभाओं में आपकी तारीफ भी कर रहे हैं कि डॉक्टर मोहन यादव अच्छा काम कर रहे हैं और जून के बाद और बेहतर काम करेंगे, तो डॉक्टर मोहन यादव ने क्या सोच रखा है मध्य प्रदेश के लिए? देखिए माननीय मोदी जी का मैं धन्यवाद अदा करूँगा, उनका दौरा बहुत अच्छा रहा, उनने इस तरह की बात करी है, उनका बड़प्पन है, उनको मालूम है कि हमारी नई नई सरकार बनी है तो हमारे साथ खड़े होकर के हमारे कुछ निर्णयों को उनने बहुत अप्रिसिएशन किया है, मैं उनका धन्यवाद भी अदा करता हूँ। और ये बात तुमने यही कही थी कि डबल इंजन की सरकार काम करेगी, तो जब उनकी सरकार भी बनी रही और हमारी बन चुकी है तो स्वाभाविक रूप से हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं कि अधिकांश अपने क्षेत्र के, अपने प्रदेश के लिए औद्योगिक निवेश, जहाँ जगह जगह रोजगार मिलेगा, औद्योगिकरण कराएंगे, अलग अलग प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होंगे जिसमें विभिन्न अधोसंरचना के काम है, एकेडमिक साइड में, हेल्थ की साइड में, हमारे अपने ग्रामीण अंचल में, और ख़ास करके किसानों की आय बढ़ाने के लिए ऐसे कई काम हमारे हाथ में जिस पर हम आगे बढ़ेंगे। काफ़ी सारे लोगों से लगातार मिल रहे हैं और इस सब के बीच में ये आपकी जो खुश मिजाजी है, जो मंच पे आप ताली बजते और बजाते हैं, तो ये सब क्या है? एनर्जी क्या, कहाँ से आती है? ये माननीय मोदी जी से देखते सीखते हैं। आप बताइए मोदी जी 24 घंटे काम करते कभी तनाव में दिखे आपको? मोदी जी कभी थकते हुए दिखे क्या? और हम तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं, भगवान ने कालिया नाग के फन पे बैठ करके भी नृत्य किया और मनमोहिनी मुस्कान फैला करके सबको संदेश दिया, उन्होंने महाभारत के युद्ध में भी सबके बीच खड़े होकर के भगवान ने अपने जीवन के इस सत्य को उजागर किया कि निर्णय आप कितने कड़े करो, व्यवहार में आप हमेशा विनम्र रहो, कठिनाइयाँ कितनी भी आए लेकिन कठिनाई से पार तो आप ही को पाना है, तो मुस्कान सदैव धारण करो। और हमारी सनातन संस्कृति इसी बात के लिए, दूसरों होंगे कई और जो किसी की मृत्यु से या जन्म से सालों के आधार पर उनके यहाँ उत्सव मनते हैं, सनातन संस्कृति तो जयंती मनाकर आनंद मनाने वाले लोग हैं। प्रत्येक त्यौहार, पर्व, उत्सव हमारे जीवन में उत्साह, उमंग, आनंद की वर्षा करते हैं, तो ऐसी संस्कृति का आनंद लेते हुए, सनातन संस्कृति जय जयकार करते हुए कोशिश कर रहे हैं। राजनीति में भी है तो भी मस्ती से हैं। यही वजह है कि लोग आपको मोदी का मोहन भी कहने लगे? नहीं, मैं तो सबका अपने आपके बीच का कार्यकर्ता हूँ। मोदी तो 142 करोड़ के हैं, हम सबके परिवार के सदस्य हैं, और एक ऐसे व्यक्तित्व जिनका स्वयं का क्या है, ना उनका अपना बच्चा है, ना बच्ची है, ना उनने अपने जीवन में कुछ इस तरह से अपना जीवन जिया जैसे एक बहुत आदर्श जीवन, जैसे भगवान हनुमान के वो सच्चे भक्त की तरह जीवन जी रहे हैं, जिनको जीवन में देशभक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और क्या चाहिए ऐसे व्यक्ति के बारे में? अगर हम चुनाव में काम कर रहे हैं तो ये हमारा सौभाग्य, वो चुनाव लड़ रहे हैं। सर आखिरी सवाल कि इतना दौरे करने के बाद आप क्या दावा करेंगे मध्य प्रदेश की सीटों का?
मैं तो वही कहूंगा जो 29 की 29 लोकसभा भाजपा की, छिंदवाड़ा भी 100% छिंदवाड़ा तो सबसे पहले आती दिख रही है। छिंदवाड़ा के अंदर छिंदवाड़ा की जनता ने तय कर लिया कि बाहर वाले को सांसद नहीं बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर मोहन यादव, ऊर्जा से भरे हुए। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी चुनावी व्यवस्था के बीच भी हमको समय दिया। और डॉक्टर साहब का कहना है कि पूरी 29 की 29 सीटें बीजेपी जीते, इसके लिए रात दिन मेहनत वो भी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी भी कर रहे हैं। करमेन अभिषेक शर्मा के साथ ब्रजेश राजपूत, विस्तार न्यूज़। नाम ही अच्छा विस्तार का, तो ये जल्दी विस्तार कर रहा है। हम हमारी सफलता में भी कोई मगरूरियत नहीं लाते, कोई घमंड नहीं लाते। पहले चरण में गर्मी बड़ी दुश्मन बनी और वोटिंग परसेंटेज कम रहा, तो बीजेपी इसकी चिंता कर रही है कि नहीं? हमारी 29 की 29 सीटें, मुझे आपके माध्यम से भरोसा, प्रदेश की जनता बहुत प्यार करती है। जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है तो कांग्रेस बड़ी उम्मीद से हो गई है और कह रही है कि इनमें से सीट जीतने की उसकी उम्मीद बढ़ गई है। ये बिल्ली के भाग से छीका नहीं टूटेगा। बीजेपी कांग्रेस मुक्त है या बीजेपी कांग्रेस युक्त हो रही है? अब आने वालों की भीड़ बढ़ रही तो हमको छांट छांट के लेना पड़ रहा है। कांग्रेस अगर लड़ने ही नहीं जाती तो हम क्या करें उसके लिए? आपकी बार यही भाषा और यही घमंड रहा, ये टेम्पो के अंदर की सवारी हो जाएगी, एक बस की सवारी में थे ही। तो ये थे मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जिनसे बात की ब्रजेश राजपूत ने, और उन्होंने बताया कि बीजेपी के क्या प्लान्स हैं और साथ ही साथ कांग्रेस पर भी उन्होंने करारा वार किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दूसरे चरण के मतदान को लेकर भोपाल में बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक हुई। बैठक में 6 सीटों पर होने वाले मतदान को लेकर चर्चा हुई और मीटिंग में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, लोकसभा चुनाव प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह, सह प्रभारी सतीश उपाध्याय भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों से वोटिंग की अपील। कल द्वितीय चरण की वोटिंग का दिन है और हम आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से अपील करते कि जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, कल 6 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होने वाला है, मतदान करना ये हमारे लिए, लोकतंत्र के लिए सबसे पुनीत और पावन कार्य है। आपके माध्यम से अपील करता हूं कि हर एक मतदाता अपना अपना वोट जरूर डाले, वो जहां जिस भी पार्टी में देना चाहे लेकिन वोट जरूर डाले। लोकसभा चुनाव में कम मतदान चुनाव आयोग के लिए भी चुनौती बना हुआ है और इसकी वजह गर्मी के तीखे तेवर हैं या फिर शादी ब्याह का सीजन, ये कहना मुश्किल है। लेकिन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन अब दूसरे चरण में कोई कोर कसर नहीं रखना चाहते। क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं, इसको लेकर विस्तार न्यूज ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश में दूसरे चरण में मतदान होने हैं और ये 26 अप्रैल को होगा। इसके साथ साथ में तैयारियां चरम पर हैं, पुलिस की, प्रशासन की और निर्वाचन आयोग की। इस समय हमारे साथ अनुपम राजन जी हैं, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं। वो बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ तैयारियां हैं और कैसे चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। 6 संसदीय क्षेत्र हैं जो कल चुनाव के लिए जा रहे हैं, जहाँ वोटिंग है। लगभग 12,000 मतदान केंद्र हैं जिन पर ये वोटिंग होगी और 1,11,00,000 मतदाता हैं जो इस प्रक्रिया में भाग लेंगे। गर्मी को देखते हुए हम लोगों ने व्यापक व्यवस्थाएं की हैं, सभी कलेक्टरों को निर्देश भी दिए गए हैं। एक तो कि हर मतदान केंद्र पे छाया की व्यवस्था की गई है, ठंडा पानी पेयजल की व्यवस्था है, इसके अतिरिक्त बैठने के लिए चेयर्स वगैरह की व्यवस्था की है। जहाँ जहाँ संभव हुआ है अधिकांश जगहों पर वेटिंग एरियाज क्रिएट किए गए हैं ताकि लोग अपनी बारी का इंतजार कर सकें बैठ करके, यदि लंबी लाइनें हैं तो, या मतदान करने के बाद थोड़ा देर विश्राम करना चाहते हैं तो वो कर सकें। दवाइयों की व्यवस्था की गई है पोलिंग पार्टीज़ के लिए भी, और अलग से भी वहाँ पे मेडिसिन, जिसको मेडिसिन किट कहते हैं, वो रखवाया हुआ है, जिसमें विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा गया है कि गर्मी के हिसाब से दवाइयाँ हों, ORS के पैकेट्स हों और भी जो दीगर चीज़ें हैं वो वहाँ उपलब्ध रहें। हमारे पास जो हमारे सेक्टर अधिकारी होते हैं, जो 10 मतदान केंद्रों पर एक होते हैं, जो लगातार भ्रमण करते रहते हैं और नॉर्मली हर आधे घंटे में एक मतदान केंद्र पे पहुंच जाते हैं, उनके वाहनों में हम लोगों ने मेडिकल टीम भी बिठाई हुई है ताकि आवश्यकता अनुसार हम मौके पर ही जो प्राथमिक उपचार या जो भी सहायता उपलब्ध करानी है वो तत्काल दे पाएँ। इसके अलावा क्लस्टर पॉइंट्स पे एम्बुलेंस वगैरह भी रखे गए हैं, डॉक्टर्स की व्यवस्था है। तो गर्मी को देखते हुए मतदाताओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। श्याम सिंह तोमर, कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ विस्तार।
बात करेंगे अगली खबर की और छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने लोगों से बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मतदान जरूर करें। उन्होंने वोटिंग की अपील करते हुए एक वीडियो संदेश जारी किया है। लोकतांत्रिक देश में इस हमारे भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिन में चुनाव की वोटिंग है। जहाँ हम रहते हैं मध्य प्रदेश के खजुराहो बागेश्वर धाम पावन तीर्थ जहाँ बागेश्वर हनुमान जी का है, यहाँ 26 अप्रैल को वोटिंग है। तो हम सबको प्रार्थना इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, स्वविवेक से राष्ट्र हित में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आप सबको सबसे सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। चुनाव में आपको वोटिंग डालने के लिए आपको जरूर जाना चाहिए, वोट जरूर करें। यही हम आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना। अगली खबर छत्तीसगढ़ से बताएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कवर्धा में खेड़ापति हनुमान मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। रमन सिंह ने पत्नी के साथ हनुमान जी का आशीर्वाद लिया और इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर करारा हमला किया है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल चुनाव हार गए हैं। राजनांदगांव समेत लोकसभा की सभी 8 विधानसभा क्षेत्र में बुरी तरह से हार रहे हैं और उन्होंने कहा कि जनता का मूड बता रहा है कि संतोष पांडे जीत रहे हैं और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भूपेश बघेल निश्चित रूप से विधानसभा में चुनाव पूरी तरह से हार चुके हैं, जनता ने उनको रिजेक्ट किया है। अब राजनांदगांव की जनता उनको रिजेक्ट करेगी। 8 में 8 विधानसभा में भूपेश बघेल पीछे रहेंगे, ये जनता का मूड दिख रहा है। रुक करेंगे अगली खबर का। झाबुआ में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीजेपी प्रत्याशी अनीता नागर सिंह चौहान के पक्ष में जनसभा की और बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांतिलाल भूरिया बोल रहे हैं कि उनका आखिरी चुनाव है, लेकिन वो लगातार चुनाव लड़ते जा रहे हैं। उन्होंने झाबुआ में कोई काम नहीं किया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि 142 करोड़ परिवारों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और इस दौरान मुख्यमंत्री को मंच पर बीजेपी नेताओं ने झुलड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। अगली खबर बालोद से है। बालोद के धोती टोला में ग्रामीणों ने मतदान दल को गांव के अंदर आने से रोक दिया। ग्रामीण सालों पुरानी मांग पर अड़े हैं। ग्रामीणों की मांग है कि ग्राम पंचायत भवन धोतीम टला में ही रहे और अभी ग्राम पंचायत भवन आश्रित गांव दारू टोला में है, जिसके लिए ग्रामीण लंबे समय से मांग पर अड़े हुए हैं। मतदान दल को रोकने और गांव के अंदर प्रवेश नहीं करने देने पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रकांत कौशिक, डोंडी जनपद सीईओ सहित पुलिस बल तैनात है और उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने ग्रामीणों को समझाया भी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गौरेला पिंडरा मरवाही जिले में वोट परसेंट बढ़ाने के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स ने विशेष पहल की है। चेंबर ऑफ कॉमर्स ने ऐलान किया है कि वोट डालने पर टॉकीज में 1 हफ्ते तक 10% की छूट मिलेगी। लोकतंत्र के महापर्व को लेकर खासकर शहरी क्षेत्रों में 100% मतदान के लिए ये पहल की गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी की अपील पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए व्यापारिक प्रतिष्ठान खरीदी पर 10% की छूट रहेगी और चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मनीष केसरी के मुताबिक मतदान के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए ये पहल की गई है। टॉकीजों सिनेमा घरों में वोट डालने के बाद अमिट स्याही का निशान दिखाने पर 1 सप्ताह तक 10% की छूट दी जाएगी। तो वहीं बुरहानपुर में गंदा पानी पीने से 140 लोग बीमार हो गए। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद बच्चों के साथ बड़े लोग भी बीमार हुए हैं और लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालात ये हो गए कि जिला अस्पताल का मेडिकल वार्ड और चिल्ड्रन वार्ड में मरीजों से भर गया और बीमार बच्चों के परिजनों ने नगर निगम पर खराब पानी सप्लाई करने का आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। वहीं पीएचई विभाग भी अब जल्द ही पानी का सैंपल लेगा और पानी की जांच करेगा। हम कल रात में आ गए इसको लेके, तो बोलने लगे कि सुबह डॉक्टर साहब आए थे तो उनसे पूछे गया, बोले पानी की खराबी की वजह से, बोले भैया। और हमसे बोला गया कि वहाँ का वार्ड में आप जाएंगे तो एक बोतल के अंदर वहाँ का हमारा को पानी ला के दिखाइएंगे, उसका पानी की जाँच करेगी हम। पानी
हाँ पानी खराब आ रहा है उधर का, मैले कलर का आ रहा है उसमें। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ।